बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुबैदा देसी किचन के साथ। बस आज मैं स्टीम चिकन रोस्ट बनाने लगी हूँ। ये 3 किलो मुर्गी है और इसे मैं अभी काट लगाऊंगी आपके सामने। ये साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट है, सुरख मिर्च है, सिरका, 3 नींबू का रस है और काली मिर्च, दही। ये मैं ऐसे काट लगाऊंगी। 3-4 पीसों को मैंने काट लगा के रख दिया है। ऐसे इन्हें काट लगा के फिर इन्हें मैरिनेश करूंगी। ऐसे मैं इन्हें दोनों तरफ से डीप काट लगाऊंगी। मसाला इनमें अच्छी तरह रस बस जाए। ये दही है और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये सुरख मिर्च, ये सिरका और ये काली मिर्च और ये नींबू का रस। अब मैं इसे हाथों से अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर मैं मुर्गी को लगाऊंगी। अब ये मसाला मैं ऐसे इन्हें कट में सही तरीके से लगा के फिर 1 घंटे के लिए मैं इन्हें मैरिनेशन करके रख दूंगी। मुर्गी ये मैंने मैरिनेशन कर दी है, अब 1 घंटे के लिए इसे मैं रख दूंगी। अब 1 घंटे के लिए बस इसे मैं शापर दे के ढांप दूंगी। बस मुर्गी मेरी मेरे नेट हो चुकी है। अब इसे मैं फ्राई करती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। अब इसमें मैं चिकन डालती हूँ, धीरे धीरे डाल के फिर इसे मैं स्टीम रोस्ट करूंगी। ये देखें मेरा स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। अब डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने स्टीम रोस्ट डिश आउट कर दिया है। कमेंट भी करें और शेयर भी करके ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबा दें। वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह टाइम पे मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़। जहाँ भी हैं आप खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। अल्लाह के हवाले।